वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों आज हम आपको कोलकाता के 20 घूमने वाले जगहों के बारे में बताएंगे। वैसे तो दोस्तों कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और इसकी गिनती भारत के 4 सबसे बड़ा महानगरों में की जाती है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कोलकाता दर्शनीय स्थल की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हम आपको कोलकाता के टॉप 20 पर्यटन स्थलों की जानकारी देंगे। कोलकाता की सैर करने का अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे बसा यह शहर कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में इतना धनी है कि इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सन 1690 में जब एक अंग्रेज व्यापारी जॉब चारनाक ने यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मुख्यालय की नींव रखी थी, तब ये एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। लेकिन आज यही गांव कोलकाता महानगर के रूप में विकसित होकर विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। यह महानगर अपनी गोद में अनेक सुंदर और आकर्षक पर्यटन स्थलों को संजोए हुए है, इसलिए साल भर यहां सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। कोलकाता में घूमने लायक यूँ तो अनेकों स्थल हैं। आइए हम आपको कोलकाता के टॉप 20 टूरिस्ट पैलेस के बारे में बताते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता दर्शनीय स्थल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महारानी विक्टोरिया की याद में सन 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसको बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था। सन 1921 में यह बनकर तैयार हो गया था। इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। यह इमारत ब्रिटिश शासनकाल की भारत में एक अमूल्य धरोहर है। यह इमारत सफ़ेद संगमरमर से तैयार आगरा का ताजमहल और लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल की शिल्पकला को समेटे हुए है। इस इमारत में अलग अलग तरह के 25 कक्ष बने हुए हैं, जिनमें महारानी विक्टोरिया से संबंधित लगभग 3500 वस्तुएँ सैलानियों के दर्शन के लिए संग्रह करके रखी गई है। इस इमारत के सामने महारानी विक्टोरिया की कांसे की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि मुख्य रूप से दर्शनीय है। यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर संगमरमर के खूबसूरत पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर है। राजस्थानी कला के परिचायक इन मंदिरों की दीवारों पर राजस्थान के जनजीवन से संबंधित कलात्मक दृश्यों को बड़ी कुशलता से दर्शाया गया है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण 1970 में शुरू किया गया था। लगभग 26 साल के कड़े परिश्रम से यह मंदिर 1996 में बनकर तैयार हुआ। रात के समय विद्युत प्रकाश में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। भारतीय संग्रहालय। कोलकाता दर्शनीय स्थल में मुख्य तथा एशिया के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। सन 1875 में निर्मित इस संग्रहालय को भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान, कला विज्ञान और उद्योग विज्ञान आदि 6 भागों में बांटा गया। यह सांची, अमरावती, गंधार, सारनाथ, जावा और कंबोडिया आदि के ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की सामग्रियाँ संग्रहित है। इस संग्रहालय को जादूघर भी कहा जाता है। दर्शकों के लिए यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज, यह नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। यह ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है। इस ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज पूर्ण रूप से लोहे से बना हुआ है, जिसमें 2590 टन बढ़िया क्वालिटी का लोहा लगा हुआ है। यह ब्रिज 1500 फुट लंबा और 71 फुट चौड़ा है। यह अपने तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, लेकिन यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है। 2 नदी के इस तरफ और 1.25 किलोमीटर की चौड़ाई के बाद 2 नदी के उस तरफ। सहारे के लिए कोई रस्से आदि की तरह कोई तार आदि नहीं है। इससे दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गर्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 सालों से इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बिरला तारामंडल। सांची के बुद्ध स्तूप की तरह दिखाई देने वाले बिरला तारामंडल के गुंबद का व्यास लगभग 27 मीटर है। इस भवन में 500 दर्शक बड़े आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ वैज्ञानिक ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ बैठकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुले आकाश को देख रहे हैं। यह भवन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। शहीद मीनार। शहीद मीनार का निर्माण सर डेविड डॉक्टर लोनी, जो नेपाल युद्ध में सेना के नायक थे, की याद में बनवाया गया था।
यह भव्य मीनार 158 फुट ऊंचा है। इस पर खड़े होकर आप पूरे शहर के नज़ारे को देख सकते हैं। इस मीनार का तुर्क शैली में बना गुंबद विशेष रूप से दर्शनीय है। साइंस सिटी, यहाँ अंतरिक्ष थिएटर, स्पेस फ्लाइल व सरीसृप वर्ग के कई जंतुओं के नमूने दर्शकों को चौंकाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ डायनासोरों की विभिन्न प्रजातियों को भी दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया। साइंस सिटी को कोलकाता के निवासियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक मुख्य आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित यह सिटी दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन स्थलों में से एक है। साइंस सिटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को स्फूर्तिप्रद और रोचक वातावरण प्रदान करती है, जो कि हर उम्र के लोगों के लिए सही मायने में शैक्षिक और आनंददायक है। पिछले कुछ सालों में साइंस सिटी युवा और वृद्धों के लिए एक आनंददायक और यादगार अनुभव का स्थल बन गया है। इसके साथ ही कोलकाता दर्शनीय स्थल में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह है। ईडन गार्डन, अलेक्जेंडर की बहन के नाम से बनाया गया यह गार्डन विलियम फोर्ट के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है। कोलकाता दर्शनीय स्थल की यात्रा पर आने वाले अधिकतर सैलानी यहां सैर सपाटे के लिए आते हैं। इस गार्डन के पूर्व में रणजी स्टेडियम भी है, जहां सन 1987 में क्रिकेट का विश्व कप फाइनल मैच खेला गया था। बोटैनिकल गार्डन, इस गार्डन का पूरा नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन है। यह मॉडर्न हावड़ा और हुगली नदी के पश्चिमी तट पर 109 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस गार्डन का मुख्य आकर्षण 200 साल से भी ज़्यादा पुराना एक बरगद का पेड़ है, जो लगभग 330 मीटर की परिधि में फैला हुआ है। इसके अलावा इस गार्डन में आप करीब 40,000 पेड़ पौधे देख सकते हैं। यहाँ बीच में बना पाम हाउस भी विशेष रूप से देखने लायक है। रविंद्र सरोवर, कोलकाता दर्शनीय स्थल में यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यह कोलकाता शहर के दक्षिणी भाग में बना हुआ है। यह स्पोर्ट स्टेडियम, जापानी बौद्ध मंदिर और तैराकी के लिए एक तालाब भी है। चिड़ियाघर, 16 हेक्टेयर में फैला हुआ यह कोलकाता का चिड़ियाघर देश के मशहूर चिड़ियाघरों में से एक है। इस चिड़ियाघर की विशेषता यह है कि यहाँ आप पशु पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में विचरते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक फिश एक्वेरियम भी है, जहां आप विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियों को देख सकते हैं। बैलूर मठ, कोलकाता से लगभग 16 किलोमीटर दूर बैलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यहां मंदिर, मस्जिद और चर्च का अद्भुत समन्वय। मार्बल पैलेस, संगमरमर के विभिन्न पत्थरों को तराश कर बनाया गया मार्बल पैलेस कोलकाता के खूबसूरत महलों और भवनों में से एक है। यह सुंदर महल लगभग 18 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यहाँ बस या मेट्रो द्वारा पहुँचा जा सकता है। तैरता संग्रहालय, हुगली नदी पर तैरता हुआ संग्रहालय कोलकाता दर्शनीय स्थल में प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस संग्रहालय का निर्माण सन 1993 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सौजन्य से कराया गया था। इस संग्रहालय में आप कोलकाता का 300 साल पुराना इतिहास यहां लगे लगभग 200 से अधिक चित्रों से देख सकते हैं। यह संग्रहालय सोमवार को बंद रहता है। निको पार्क, सन 1919 में बनकर तैयार हुए निको पार्क को पश्चिम बंगाल का डिज्नीलैंड भी कहा जाता है। यहां हाल ही में शुरू हुए रिवर केव राइड विश्व का अनोखा राइड है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1847 में रानी रशोमणि ने कराया था। कहते हैं प्रसिद्ध संत रामतीर्थ को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति इसी मंदिर में हुई थी। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर एक पिकनिक स्थल है जिसके मनोहरी दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ निकट ही गंगा नदी बहती है। नेहरू बाल संग्रहालय, मुख्य रूप से बच्चों के लिए बनाया गया यह संग्रहालय बड़े बूढ़ों को भी आकर्षित करता है और ये घूमने लायक है। बीबीडी बाग, यह बाग कभी डलहौजी स्क्वायर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में बिपिन बादल और दिनेश नाम के शहीदों के नाम पर इसे बीबीडी बाग कहा जाता है। इस बाग के दक्षिण छोर पर राम भवन, असेंबली हाउस और उच्च न्यायालय की अन्य इमारतें हैं। इस बाग के बीचों बीच सुंदर तालाब दर्शकों का मन मोह लेता है। फोर्ट विलियम, हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित यह एक विशाल इमारत है। यह इमारत कोलकाता दर्शनीय स्थल में प्रसिद्ध है। एक समय
यह इमारत जेल भी हुआ करती थी। यह प्रसिद्ध इमारत कोलकाता के ब्लैक होल के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, कोलकाता के दर्शनीय स्थल, कोलकाता पर्यटन स्थल, कोलकाता टूरिस्ट पैलेस, कोलकाता की घूमने लायक जगह, कोलकाता पर्यटन आदि शीर्षकों पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हेल्पफुल जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें।